पूछता हूँ, यू नो सिंस यू क्वालिफाइड एट सच अ यंग एज, तुमने ऐसा क्या किया, यू नो देयर वाज मतलब तुम्हारा ऑब्वियसली फोकस होगा, माइंड बहुत डिसिप्लिन होगा, अच्छी अप्रोच होगी, बट कुछ पांच छह चीजें बताओ जो मुझे लगता है कि जो बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, यू नो बहुत एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं, तुम्हें लगता है कि यार ये छह पांच छह चीजें अगर करोगे तो तुम ऑलरेडी 80% क्राउड से आगे हो और उसके बाद तुम्हारी और मेहनत है, ऐसे कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रही तो बताओ। सो सर ये पांच चीजें मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो सबसे पहला जो मेरा प्लान था वो था एक आई वुड से टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज अभी क्या होता है कि एस्पिरेंट्स लोग टाइम से मैनेज नहीं कर पाते, अगर वो लाइक पढ़ते भी हैं तो दे आर नॉट मतलब एक प्लान में नहीं पढ़ रहे, स्ट्रेटजी बना के नहीं पढ़ रहे। मेरा क्या टाइम मैनेजमेंट में कि मैं अपने हर एक सेकंड हर एक मिनट का नोट रखता था। लाइक मुझे याद है जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था इन अप्रैल 2019 जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा था, तो व्हेन इन द इनिशियल डेज आई यूज टू टेक वन A4 शीट पेपर एवरी नाइट सोने से पहले और उसमें मैं नोट करता था कि मैंने आज टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया। अगर मैंने लेट्स से कि 15 मिनट्स क्लासेस जाने में लगाए तो आई यूज टू राइट डाउन ऑल्सो, उसको भी मैं लिखता। उससे क्या होता था एवरी नाइट मैं उसे फिर इवैल्यूएट और एनालाइज करता था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें से मैं टाइम डिडक्ट करके अपने पढ़ाई में जोड़ सकता हूँ। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है विच आई विल सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो उससे क्या एक ऑटोमेटिक काफी अच्छा डिसिप्लिन आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आपने एक महीने भी ये पेपर लेके लिखने वाला काम किया उसके बाद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ इंटरनलाइज और मेंटल हो जाएगा। बट फॉर द इनिशियल वन और टू मंथ्स प्लीज डू दिस थिंग। सेकंड आई वुड से कि टाइम का जो वेस्ट वाला कंपोनेंट है लाइक ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका सेकंड बीत रहा है, जो आपका मिनट बीत रहा है वो बीत के वापस नहीं आएगा। सो मैंने इंश्योर किया कि मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूं। मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, मतलब आई नो फेसबुक अकाउंट, मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया और मैंने अपना जो फोन था लाइक माय फोन वाज ब्रोकन, उसमें आप बस कॉल कर सकते हो और हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप यूज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। सो मैं फादर सेड किया फोन ले लो, कोई रेडमी वेडमी ले लो कुछ दूसरा। मैंने बोला कि मुझे फोन अभी नहीं लेना है, दिस इज द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुआ है कि मेरा फोन अभी खराब हुआ है। तो मैंने लगता है अभी मुझे तो अभी लगता है कि काश मेरे फोन में व्हाट्सएप कभी ना होता। एक्जेक्टली सर, एक्जेक्टली मुझे तो अभी भी लगता है क्योंकि काम से इतना डिस्ट्रैक्ट करता है ना व्हाट्सएप, मुझे लगता नहीं है कि प्रोडक्टिविटी कुछ बढ़ती बढ़ती है उससे। बिल्कुल नहीं बढ़ती, बहुत जरूरी है। लाइक मैं भी कोरोना में मैंने रह के तैयारी किया है बट मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया। आई वोंट से कि लाइब्रेरी इज बैड टू गो बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप किस सर्कल से इंटरेक्ट कर रहे हो। मैंने बहुत बार देखा है और मेरे बहुत सारे आई वुड से नोन पीपल दूर हो गए इस वजह से, बिकॉज सिंस मैं प्रिपरेशन में फोकस था। अब लोग आते थे कहते कि यार बहुत पढ़ लिए चलो चाय पीना चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप 30 मिनट्स पढ़ते हो 30 मिनट्स बाहर चाय पे चर्चा करते हो। सो दिस 30 मिनट्स ऑफ चाय पे चर्चा इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी मैनर। ये आपको टाइम खा रहा है, इससे आपको कोई नॉलेज गेन नहीं हो रहा है। सो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा यूपीएससी सर्कल में सिर्फ एक फ्रेंड था जिसका भी सिलेक्शन हो गया। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि उन्हीं को फ्रेंड्स बनाओ जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं इधर एकेडमिकली और मतलब वैल्यूज के थ्रू हो सकता है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है विद फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर। सो ये तीन चार चीजें हो गई। एक और चीज मैं बताऊंगा कि ऑलवेज आप मतलब अगेन हमने जैसे शुरू में बात किया टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड, अब व्हाट हैपेंस कि बहुत लोग पढ़ते पढ़ते बुक में इतने बुक वॉर्म बन जाते हैं कि दे डोंट गेट एनी टाइम टू रिसर्च अपॉन थिंग्स। सो मैं क्या करता था कि जब भी मैं खाली जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और सब कुछ कुछ नहीं हो रहा है तो आई ऑलवेज यूज टू रिसर्च ऑन गूगल के लेट्स से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें मैं डॉक्यूमेंट्री देख लूँ, 5G पे कुछ देख लूँ, अदरवाइज बहुत सारे 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं, SpaceX का बहुत सारे मिशन आने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज हमारे आसपास है, तो उस पर मैं खूब रिसर्च करता था ताकि उससे नई नई चीजें मुझे समझने को मिले और इससे माइंड में काफी शार्प होता था। और लास्ट थिंग मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा शेड्यूल काफी डिसिप्लिन रहा और प्लान मिला। लाइक मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम नहीं भी तो कम से कम 10 to 15 times पढ़ा होगा बिफोर प्रीलिम्स। अब बहुत एस्पिरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं किसी बुक को आप 10 to 15 times पढ़ कैसे लेते हैं। सो दिस वन सिंपल रीजन और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। लेट्स से कि लक्ष्मीकांत में 600 pages है पढ़ने के लिए, अगर हम इसे डेली पढ़े तो 20 pages पर डे आएगा अगर आपको एक मंथ में एक बार सॉरी स्पेक्ट्रम फिनिश करना है। 10 months पढ़ रहे हैं आपका ऑटोमेटिकली 10 times स्पेक्ट्रम फिनिश हो गया और 8 to 10 times होने के बाद स्पेक्ट्रम फिनिश करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा नेक्स्ट मंथ। सो इस वजह से मैं 10 to 15 times किसी भी बुक को पढ़ पाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप एक बड़े से टारगेट को छोटे छोटे आई वुड से मंथली एंड डेली में डिवाइड करें एंड देन ट्राई टू स्टडी। सिमिलरली मेंस मैंने जितने भी मेंस में सब टॉपिक्स है मेंस के सिलेबस में उनको मैंने वीकली और डेली डिवाइड कर लिया कि मुझे कौन से डे में कौन से टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाने हैं। सो ये जितनी भी चीजें मैंने चार पांच चीजें बताई इससे मेरा प्रिपरेशन काफी हद तक आई वुड से स्ट्रीमलाइन फोकस्ड एंड डिसिप्लिन हो गया। आई वुड से यही चार पांच चीजें हैं जिन्होंने हेल्प किया।